हाय हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मेरे सारे सब्सक्राइबर्स अच्छे से होंगे और मैं भी बिल्कुल बहुत 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 अच्छे से हूँ। आज बहुत दिनों के बाद आपके साथ ऐसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि मेरा लास्ट व्लॉग भी था वो पीछे का शूट किया हुआ था, क्योंकि मेरा थोड़ा वर्किंग शेड्यूल जो है बिजी चल रहा था, उस वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ व्लॉगिंग को। बट जितना भी हो सके आई विल ट्राई टू गिव टाइम अभी भी, क्योंकि अभी भी मेरा शेड्यूल बिजी चल रहा है। तो आपको बताता चलूँ कि आज संडे है और आपको बैकग्राउंड में तो म्यूज़िक सुनाई दे ही रहा होगा, लाइट सा म्यूज़िक है, तो आप गेस कर सकते हो, अगर कोई कर सकता है, कि आज क्या स्पेशल होने वाला है। दिन के बजे हैं 12:30, संडे है और अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है, तो डेफिनेटली आज का जो व्लॉग है रेसिपी बेस्ड है। ठीक है, तो गेस कर लो जो कर सकता है फटाफट कि कौन सी रेसिपी होने वाली होगी। तो मैं आपको बता दूँ, बताने से पहले चलो देख ही लो, ये सारा आर्टिकल है जो रेसिपी में यूज़ होने वाला है। बासमती है, ठीक है, चिकन है, कैरेट है, कैप्सिकम है, ओनियन है, बीन्स है, मटर है और ये सॉसेजेस। तो शायद किसी ने गैस किया हो, कर भी लिया हो कि क्या होने वाला है, जस्ट चेक इट आउट। ये बॉइल्ड राइस है, बासमती लॉन्ग राइस। ये विनीगर डिप्ड चिकन है और दिस इज कैरेट, कैप्सिकम, ओनियन, पीस, बीन्स, ब्लैक पेपर, जिंजर एंड दिस इज गार्लिक, विनीगर, ग्रीन चिल्ली, सोया सॉस, रेड चिल्ली सॉस एंड कोरिएंडर। तो जिसको गेस करना है वो फटाफट से गेस कर ले कि क्या होने वाला है। चलो इतना मत सोचो, मैं ही बता देता हूँ, होने वाला है चिकन फ्राइड राइस। सो लेट्स कैच हाउ टू मेक ए चिकन फ्राइड राइस इन माई स्टाइल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम चिकन को ब्लॉन्च करते हैं गार्लिक में और थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करते हैं। इसका हमने थोड़ा कलर ऐड किया है, येलो कलर, मोस्टली तो करते नहीं है लेकिन हमने किया है इसको। हम इसको ब्लॉन्च करेंगे, चिकन के छोटे छोटे पीसेस है, इससे भी छोटे होते हैं एक्चुअली, ज़्यादा छोटे, अपने इतने हिसाब से इसका कटिंग कर सकते हो आप। और इतने में क्या है कि हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, क्योंकि वो जो अरोमा है चाइनीज अरोमा यहीं से जनरेट होगा, इसमें जाएगा। यहीं पे हम इसको जो है नमक ऐड करेंगे, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट चिकन के लिए। और इसी में थोड़ा सा जिंजर ऐड करेंगे, वैसे जब हमने इसको विनीगर डिप किया था उसमें भी हमने जिंजर गार्लिक ऐड किया था ऑलरेडी। जब तक ये ऑलमोस्ट 60% टेंडर ना हो जाए, तब तक इसको ब्लॉन्च करना है चिकन को। एक चीज़ रह गई थी, छोटी सी चीज़ है बट कमाल की है बड़ी इस रेसिपी में, दैट्स लेमन। और थोड़ा सा लेमन हमें इसमें ऐड करना है, लेमन का जूस, हाफ लेमन आप इसमें ऐड करोगे इसी ब्लॉन्च में, क्योंकि ये जो अरोमा है लेमन का वो इसी में चला जाएगा चिकन में। अभी ये टेंडर हो चुका है,
और इसके बाद टेंडर के बाद हम इसको निकालेंगे और फ्राई पे लेंगे, फ्राई के लिए लेके जाएंगे, थोड़ा इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद अब हम इसको यहाँ से ड्रेन आउट करते हैं, इसको। अब इसको क्या करना है, अब इसको हमें थोड़ा फ्राई करना है। जो ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया, बस उतना ही करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको शैलो फ्राई करना है बस, फटाफट से निकाल देना है जो गोल्डन ब्राउन हो गया। ये हमारा चिकन जो है फ्राई हो चुका है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो साथ के साथ अब हम क्या करते हैं, हम अपनी जो वेजीज है, हमारे वेजिटेबल्स हैं, उनको हम फ्राई के लिए जाएंगे। मतलब जो हमारा ब्लॉन्च और फ्राइड के प्रोसेस के बाद जो स्टेप है, वो हमारा वेजीज जो है उनको फ्राई करने का है। तो सबसे पहले हम मटर लेते हैं, तो हम मटर डाल देते हैं, मटर फ्राई करेंगे। कि हमारे जो है इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, दो दो मिनट की गैप में, 1.5 मिनट के गैप में हमें वेजीज ऐड करनी है। तो ये जो मटर है, पहले हम इसको फ्राई करेंगे। मटर फ्राई करने के बाद हम इसमें अपना कैप्सिकम, ओनियन जो है ओनियन ऐड करेंगे। अब प्याज 2 मिनट कुक करने के बाद, फ्राई करने के बाद हम इसमें बीन्स ऐड करेंगे। नाउ यहाँ पर क्या करना है, ये हमारी जो इसमें बीन्स और मटर जो है, इनका जो स्मेल है, अपना जो स्मेल होता है, उसको निकालने के लिए इसी स्टेज पे हम ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक। ये गार्लिक हो गया और ये हम जिंजर ऐड कर रहे हैं, जिंजर गार्लिक ऐड किया इसी स्टेज पे, ताकि जो इसका स्मेल है, और इसमें भी हम थोड़ा जो है अपना ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसी स्टेज पे हल्का सा। अब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे, अभी हमने कोई मसाला इसमें ऐड नहीं किया, कोई सॉस ऐड नहीं किया है, क्योंकि अभी पहले ये जो है फ्राइड राइस है, पहले इसमें जो वेजीज होती है वो थोड़ी कच्ची सी रह जाती है, ऑनली फ्राई हो जाती है। सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम, क्योंकि इनका क्रंच रहना चाहिए, कैप्सिकम का तो बहुत ज़्यादा टेस्ट देती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको जब ये क्रंच देता है। आप तो इसका अरोमा फील नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी बस इसमें जो अरोमा आ रहा है वो खाली ब्लैक पेपर का आ रहा है, अभी कोई सॉसेज ऐड नहीं किया है। लेकिन ओह माय गॉड, अब यहाँ पर हम इसको लेमन जो हमारा आधा रह गया था उसको स्क्वीज करेंगे, उसका जूस निकालेंगे। ये और नमक, आपको याद रखना है नमक फ्राइंग में, जो फ्राइड राइस है उसमें एंड में ऐड करते हैं सब्जियों में, क्योंकि वरना ये पानी छोड़ देता है और उससे क्या हो जाता है कि हमारी वेजीज जो है वो सॉफ्ट पड़ जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको नमक ऐड कर रहा हूँ, शेफ स्टाइल है, सीधे हाथ से।
और अब जो टर्न है वो हमारे सॉसेजेस ऐड करने की है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये है मेरे पास गोल्डन ब्राउन का मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो चाइनीज सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहते हो, और जीनोमोटो जिसको बोलते तो कर सकते हो, पिंच ज़्यादा नहीं जस्ट पिंच। ये टेस्टिंग एजेंट भी है। एंड नाउ इट्स टर्न फॉर सॉसेजेस, दैट इज सबसे पहले हम विनेगर लेंगे, विनेगर ऐड करेंगे। क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी में राइस है इस वजह से, और इसके बाद हम लेते हैं ग्रीन चिल्ली, ज़्यादा नहीं एज पर टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद हम लेंगे अपना रेड चिल्ली सॉस। रेड चिल्ली आप उतना ऐड कर सकते हो, इसमें दो तरीके के आते हैं। अगर आप इसको शेजवान बनाना चाहते हो तो ज़्यादा ऐड कीजिए, नहीं तो कम ऐड कर लीजिए। हम हल्का सा ऐड करेंगे इसमें, और उसके बाद जो अपना ये है सोया सॉस, मेरे पास ओल्ड वाली भी है तो मैं ओल्ड चलो लेकिन नया ही ऐड करते हैं। फिर सबसे एंड में जो है ये सोया सॉस, ये थोड़ा देख के ऐड कीजिएगा। और टमाटो सॉस की मेरे पास सैशे हैं तो मैं ये दो सैशे ऐड कर रहा हूँ टमाटो सॉस की, ज़्यादा नहीं क्योंकि टमाटो सॉस बड़ा लेके क्या होता था कि वो ज़्यादा चलता है, ज़्यादा लग जाता है बर्गर वगैरह पे। सैशे अच्छे रहते हैं घर के यूज़ के लिए। तो अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, जो हमारा चिकन है हमने ऐड किया चिकन, और यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये बन गई हमारे पास चिली चिकन वाली रेसिपी, टू इन वन वाला है सीन। अब यहाँ पर जितने भी आपके पास ब्लैक पेपर है वो ऐड कर दो, जितना आपके पास होगा वो अच्छा रहेगा, जितना भी होगा। क्योंकि ये सारी रेसिपी ब्लैक पेपर बेस्ड है। वाह, तो ये कोरिएंडर ऐड कर दो, धनिया, नाउ फाइनली ऐड द राइस जो हमने बॉईल किए हुए थे लॉन्ग राइस, उनको ऐड करेंगे, ओ सॉरी उनको ऐड करेंगे। लास्ट में हम इसको नमक ऐड चेक करेंगे, मैंने चेक किया इसमें थोड़ा नमक की कमी है तो हम इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे, ठीक है। तो नमक ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा मुझे सॉसेजेस की भी कमी लग रही है, जैसे विनीगर तो ठीक है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हो, तो मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली ऐड कर रहा हूँ और रेड चिली भी ऐड करूँगा, थोड़ा ग्रीन चिली ऐड कर रहा हूँ, और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इसमें थोड़ा सा सोया ऐड कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, कलर तो वैसे इसका ठीक है, थोड़ा सा ऐड किया मैंने सोया इसमें, और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगा अपना जो ये है रेड चिली सॉस, थोड़ा सा रेड चिली सॉस ऐड किया, और जो रिमेनिंग ब्लैक पेपर है वो भी ऐड कर रहा हूँ, और जो चॉप्ड किया हुआ धनिया ढेर सारा, और इसको अब क्या करते हैं हम मिक्स करते हैं, मिक्स आराम से करना है पूरा नीचे लगा के,
तो जाके मिक्स करना है इसको। ये देख लीजिए, ये ऑलमोस्ट हो गया है, रेडी है। फाइनली हमने इसकी प्लेटिंग कर ली है और रेडी टू सर्व है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, चिकन का भी कितना अच्छा कलर है और बहुत टेस्ट, मैंने इसको टेस्ट किया, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बना है ये चिकन फ्राइड राइस। तो उम्मीद है आप भी इस रेसिपी को देखोगे और ट्राई करोगे, वो भी मेरे तरीके से जो मैंने ये बताया, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम टेस्ट आपको मिलेगा। और अभी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में भी, और देखते रहिए हमारा चैनल ICD व्लॉगर।